क्लास 8 फ्रॉम एमएल अग्रवाल, चैप्टर 7 कंपाउंड इंटरेस्ट, एक्सरसाइज 7.2, टू एग्जांपल 7। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट विल 5000 अमाउंट टू 5832 रुपीज इन टू ईयर्स। इसका मीन्स ये कहने का मीन्स कि कितने परसेंट में, क्या परसेंट होगा जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट यूज़ करें किस प्रिंसिपल पे 5000 रुपीज़ में, जिसका अमाउंट 5832 हो जाता है टू इयर्स आफ्टर। तो चलिए इसे एक्सप्लेन करते हैं। सो हमें गिवन है एग्जांपल 7 में प्रिंसिपल 5000 रुपीज़, अमाउंट 5832 टाइम टू इयर्स टू फाइंड रेट परसेंटेज फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फार्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। लास्ट वीडियो में हमने इस फार्मूले को एक्सप्लेन किया, अगर आप देखना चाहें तो आप एग्जांपल फर्स्ट सेकंड फर्स्ट टू सिक्स आप देखिए, हमने फुल डिटेल आपको बताया है कि ये फार्मूला एग्जैक्ट कहाँ से आया और किस रीजन से आया और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे बना, तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए अप्लाई करते हैं। अमाउंट हियर 5832, प्रिंसिपल हियर 5000, ब्रैकेट 1 प्लस रेट टू फाइंड हियर, पावर टाइम्स 2 इयर्स रेस 2। चलिए सॉल्व करें, 5000 को ट्रांसफ़र कर लें। सबसे इम्पोर्टेंट 5832 अपॉन 5000 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर 2। चलिए इसे 4 से कैंसिल करते हैं क्योंकि 2 से तो ऑलरेडी कैंसिल है, तो 4 वन जा 4 वन रिमाइंडर, 4 टू जा 8 टू रिमाइंडर, 4 फाइव जा 20। 4 से इसे भी कैंसिल करते हैं, 4 वन जा 4 वन रिमाइंडर, 4 फोर जा 16 टू रिमाइंडर, 4 फाइव जा 20 एंड 3 रिमाइंडर 4 8 जा 32। क्लियर, अभी ये कैंसिल फिर 2 4 से ही होगा, 4 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4 वन रिमाइंडर, 2 5 जा 10 क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 7 जा 14 2 2 जा 4 वन रिमाइंडर और 2 9 जा 18। चलिए तो हमें यहाँ पे रिमाइंड हुआ, क्या रिमाइंड हुआ, 729 अपॉन 625 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 2। यहाँ पे क्या है 2। चलिए अब हमें तो फाइंड आर करना है, तो आर के पास जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं वन बाय वन सभी को यहाँ से हटाते जाइए, ट्रांसफ़र करते जाइए, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर चाहिए, तभी तो हम आंसर दे पाएंगे ना रेडियस को। तो सबसे दूर आपका आर से बाहर कौन दिख रहा है, रेस 2, फर्स्ट इसे ट्रांसफ़र करेंगे, और स्क्वायर जब ट्रांसफ़र होता है तो क्या बनता है, रूट, क्या रूट, जैसे प्लस ट्रांसफ़र होता है तो माइनस, माइनस ट्रांसफ़र प्लस, वैसे स्क्वायर ट्रांसफ़र होता है तो रूट। सो 729 अपॉन 625। क्लियर, अब यहाँ पे देखते हैं 729 जो है वो 27 का स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं 27 इंटू 27 और 625 का तो ऑलरेडी आप जानते हैं 25 इंटू 25 1 प्लस आर अपॉन 100। अब देखिए स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 2 का पेयर होना चाहिए, यहां पे देखिए 27 का 2 पेयर है, तो 27 आउटसाइड, 25 का भी पेयर है तो 25 भी आउटसाइड। अब देखिए हमें आर की वैल्यू चाहिए, अब आर से सबसे दूर डिस्टेंस में कौन है, 1, तो 1 के आगे कौन सा साइन है, प्लस, तो अब 1 को भी ट्रांसफ़र करिए तो इधर आके माइनस 1 हो गया, अभी भी यहाँ पे 100 है, अभी 100 को भी ट्रांसफ़र करना है, लेकिन पहले इसे सॉल्व कर लें। तो फर्स्ट एलसीएम होगा आपका 25 में 25 डिवाइड करेंगे 1 का इंटू 27 में करेंगे 27, और यहाँ तो कुछ है नहीं तो अपान 1 कर लें, तो 1 का डिवाइड 25 में करेंगे 25 इक्वल टू आर अपॉन 100, बस आर का क्रॉस मल्टी, इसको भी ट्रांसफ़र करेंगे तो ये डिवाइड में है, देखिए प्लस ट्रांसफ़र होता है तो कहाँ जाएगा, माइनस,
माइनस ट्रांसफ़र होता तो प्लस में, इनटू ट्रांसफ़र होगा तो डिवाइड में, और डिवाइड ट्रांसफ़र होगा तो इनटू में। तो 27 माइनस 25 आपका 2 अपॉन 25, और ये 100 को ट्रांसफ़र करेंगे तो इनटू 100, और ये आपका हुआ सिंगल आर जो हमें चाहिए था। 25 फोर जा 100, तो 4 2 8, तो रेडियस बोलना है, रेट आपका क्या फाइंड हुआ 8% भाई, 4 2 8 8% हुआ आंसर आपका। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हैंस द रेट ऑफ दिस अमाउंट दस ऑफ दिस प्रिंसिपल इज 8%, ये आपका आंसर है। नाउ एग्जांपल नंबर 8, इन हाउ मेनी ईयर्स, देखिए इसमें फाइंड करना था एट व्हाट परसेंट रेट परसेंट, और यहाँ पे फाइंड करना है इन हाउ मेनी ईयर्स। तो वन बाय वन आपसे पूछा जा रहा है, कभी प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए, कभी अमाउंट फाइंड करने के लिए, कभी रेट, कभी टाइम। तो बस हमें रूल्स तो नहीं बदलने, हमारे तो एक ही फार्मूले हैं, चेंज करना ही नहीं है, बस ट्रांसफ़र कर करके हमें फाइंड करना है। तो यहाँ दिया है इन हाउ मेनी ईयर्स विल 4000 यानी प्रिंसिपल अमाउंट टू 5324। अगर आप यहाँ क्वेश्चन में डिस्टर्ब होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं, तो आपको ट्रिक भी बता देना है, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो आपका प्रिंसिपल होगा, क्योंकि अमाउंट प्रिंसिपल से छोटा नहीं हो सकता जब तक कि आपका रेट डिक्रीज ना हो। अगर रेट डिक्रीज पे है तो डिप्रिसिएट भी है, डिक्रीज डिप्रिसिएट ये वर्ड आते हैं, तो तभी आपका अमाउंट कम हो सकता है, अदरवाइज अमाउंट प्लस में हमेशा ग्रेटर ही होगा। ये 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, गिवन है प्रिंसिपल रेट अमाउंट रेट, और हमें फाइंड करना है टू फाइंड टाइम। और हम जहाँ तक कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि अगर जहाँ पे टाइम फाइंड करना हो तो इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड कोई हो नहीं सकता, दूसरा इससे टफ क्वेश्चन भी कोई नहीं हो सकता। अगर इंटरेस्ट में भी आएंगे तो सबसे इंटरेस्टेड क्वेश्चन है टाइम फाइंड करना, और डेंजरस भी आप बोलेंगे तो सबसे डेंजरस टाइम का है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इस टाइप के जितने भी एक्सरसाइज में, किसी को ही मत छोड़िएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, और आपको एक ट्रिक भी बताएंगे यहाँ पे कि इसमें कितने टाइप्स के लॉजिक लगते हैं। ए इजक्ल टू पी ब्रैकेट वन प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन, अमाउंट आपका 5324, प्रिंसिपल 4000, 1 प्लस रेट 10% अपॉन 100 टू द पावर एन, क्लियर। चलिए 4000 ट्रांसफ़र, इसमें तो आप रेट फाइंड करें चाहे टाइम ट्रांसफ़र, तो इसे तुरंत करना पड़ेगा आपको, हो गया। 0 0 कैंसिल कर दीजिए, एलसीएम कर लीजिए, 10 ही आएगा, 10 1 जा 10, प्लस 1 पावर एन, ठीक है। 5324 अपॉन 4000, 11 अपॉन 10 टू द पावर एन। अब यहाँ पे आपको कुछ इससे इंटरेस्टेड बातें भी बता रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। अगर टाइम फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो एक बात याद रखिएगा, एक ही इसमें रूल्स है, दो नहीं है, सिर्फ वन रूल्स है। फर्स्ट रूल्स, आपके लेफ्ट में जो भी चीज़ हो, इधर देखिए ये लेफ्ट कहलाएगा, ये राइट हैंड साइड, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, इक्वल टू राइट हैंड साइड, किसके लिए, ओनली फाइंड द टाइम। अगर टाइम आपको फाइंड करना है तो आपको ये रूल्स करना ही पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो श्योर है राइट साइड में आपका पावर एन होगा। अब एन तो नीचे आएगा नहीं किसी कंडीशन पे, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो ट्रांसफ़र करेंगे तो रूट बनेगा और यहाँ पे एन होगा, कोई स्क्वायर रूट थोड़ी फाइंड करेंगे आप। तो आप सोचेंगे एन एन मतलब क्या होगा, इसलिए कोई भी ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये जो आपका बेस होगा राइट हैंड साइड में, आपको हर हाल में लेफ्ट हैंड साइड का बेस इक्वल करना ही पड़ेगा, ये ही इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लॉजिक है। मतलब राइट साइड का जो बेस होगा और लेफ्ट साइड का जो बेस है, उसे आपको हर हाल में इक्वल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ये बात अच्छे से अपने दिमाग में भर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके क्वेश्चन माइंड में आ रहे हैं कि अगर बेस इक्वल ना हो तब क्या करेंगे सर, तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बीच में आपको बता रहे हैं कि क्या करेंगे।
वो आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपको ICSE 9th क्लास पढ़ना पड़ेगा, उसमें सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। चलिए इसे 4 से एक बार ट्राई करते हैं। 4 1 4 तो 1000 हुआ। 4 1 4 वन रिमाइंडर, 4 3 12 वन रिमाइंडर, 4 3 12 और 4 1 4 चलिए कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ गया आपका 1331/1000 1331/1000 अब इक्वल टू 11 अपॉन 10 टू द पावर n। अभी हम आपसे क्या बात कर रहे थे कि ये जो बेस है वो इधर आना ही चाहिए, वो भी हर हाल में आना चाहिए। तो देखिए ऊपर आपका क्या दिख रहा है 11, नीचे क्या दिख रहा है 10, तो यहाँ हमें 11 चाहिए चाहे आप कुछ भी करें। तो 11 को अगर हम 3 टाइम इनटू कर दें, 11 11 जा 121 121 11 जा 1331, बिल्कुल होता है। अब इसका पेयर तो बन गया 3 का, अगर नीचे का 3 पेयर नहीं बना तो आपका अगर रॉन्ग हो गया। तो नीचे देखिए, इसको देखिए, इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है 10 ना, तो 10 को आप 3 टाइम्स इनटू करिए, अगर नीचे वाला आ रहा है तो समझ जाइए सही है। 10 10 जा 100 110 जा 1000 यानी ये हमारा एकदम राइट है। तो हम यहाँ पे, यहाँ चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं एक बार, या तो फिर 11 अपॉन 10 टू द पावर 3 इक्वल टू 11 अपॉन 10 टू द पावर n। देखिए दोनों बेस सेम हुए, और जब बेस सेम हो तो रूल्स है, दो रूल्स होते हैं, वो दोनों रूल्स याद रखिएगा। अगर बेस सेम हैं और यहाँ पे आपका n है मान लीजिए और x पावर यहाँ m है, तो अगर बेस सेम है, एक्सपोनेंट पावर का रूल्स है, बेस सेम है तो कैंसिल हो जाते हैं और जो पावर है वो आपके डाउन साइड आके आंसर बन जाते हैं। और अगर आपका बेस सेम नहीं है, अनइक्वल है, एक्स वाई है, और पावर अगर आपका सेम है तो पावर से पावर कैंसिल हो जाते हैं और आपका बेस इक्वल माना जाता है। ये दो रूल्स याद रखिएगा हमेशा। तो दोनों के बेस सेम है तो एक्सपोनेंट पावर्स फार्मूले से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एन आपका डाउन साइड आ जाएगा इक्वल टू 3, यानी आपका टाइम क्या हुआ, हैंस टाइम इक्वल टू 3 ईयर्स। अब हम वो बात करने वाले हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। मान लीजिए बाय द वे आपका ये इक्वल ना हो, आपका इक्वल ना हो, तो हमें तो एन फाइंड करना है ना, तो उसे तो हर हाल में नीचे लाना पड़ेगा, अगर नीचे नहीं आएगा तो आंसर कैसे मिलेगा। तो इसके लिए आपको जब आप नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, लेकिन ICSE बस में, CBSE में नहीं अवेलेबल है, उसका नाम है लॉगरिथम, याद रखिएगा। उसको डाउन साइड करने के लिए लॉग एक रूल्स बना है, इसका हम फार्मूला भी यहाँ थोड़ा सा राइट कर देते हैं। लॉग एक्स टू दी पावर अगर एम है, पावर में है, ये देखिए यहाँ पे ये है ना, तो इसके आगे हमें लॉग करना पड़ेगा बोथ साइड, जैसे बोथ साइड करते हैं ना प्लस माइनस इस टाइप में। तो ये रूल्स होता है लॉग का कि जो पावर होते हैं वो फ्रंट में आ जाते हैं और लॉग एक्स इस टाइप में लिखा जाता है। तो एन आपका सामने आ जाएगा, लॉग 11/10 हो जाएगा, फिर हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये सेम नहीं हुआ, अभी तो आप 8th क्लास में हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप 9th क्लास में जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो याद रखिएगा उसके लिए लॉग बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए आपका आंसर हुआ, आगे देखते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 9, फवीना बोरोस ₹12,500 at 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स, बट कंडीशन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। मतलब फवीना ने मान लीजिए बैंक से लोन लिया, कितना या उधार लिया, 12,500 8% पर एनम, लेकिन यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट है। एंड राधा बोरोस द सेम अमाउंट, उतने ही पैसे यानी 12,500 फॉर द सेम टाइम, टाइम भी सेम है 3 ईयर्स, मतलब इसमें और इसमें भी 3 ईयर्स, लेकिन पीरियड यहाँ पे 12% यहाँ 10%। मान लीजिए रेट भी सेम होता, मान लीजिए रेट भी सेम होता और यहाँ कंपाउंड एनुअल है, तो आप बेहिचक तुरंत बता सकते हैं कि फवीना कम पैसे देगी, राधा को ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये दोनों सेम हैं तब, लेकिन यहाँ रेट थोड़ा सा आगे पीछे है तो हमें भी चेक करना पड़ेगा, हम भी नहीं जानते, तो सॉल्व करने से ही पता चलेगा। लेकिन याद रखिएगा अगर सेम टाइम सेम रेट है और सेम मतलब प्रिंसिपल है, तो बेहिचक आप बता सकते हैं कंपाउंड ही ज़्यादा होगा, सिंपल इंटरेस्ट कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। चलिए चेक करते हैं, पहले हम यहाँ चलते हैं
फार फवीना, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं फार किसके लिए, राधा के लिए, और दोनों को चेक करते हैं कि दोनों में क्या चेंजेस हुआ, ठीक है। फवीना के लिए यहाँ पे प्रिंसिपल है रुपीज़ 12,500, रेट 12% एंड टाइम सेम है 3 ईयर्स, ठीक है, टाइम 3 ईयर्स। चलिए इनका क्या है सिंपल इंटरेस्ट से, तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड कर लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल 12,500, रेट 12%, टाइम 3 ईयर्स अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 12 3 जा 36, तो 124 × 36 4,500 रुपीज़, क्लियर। तो ये हुआ इंटरेस्ट। तो हम थोड़ा सा ये भी तो चेक करें ना, क्योंकि कंपाउंड एनुअली की बात है, मतलब उन्हें कितना मतलब पैसे पेड करने पड़े, तो है अमाउंट भी चेक कर लें। अमाउंट मीन्स क्या होता है भाई, उन्होंने कितना बोरो किया 12,500, इंटरेस्ट कितना दिया 4,500, तो श्योर है अमाउंट तो ज़्यादा होगा ना। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल में आप इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए, तो प्रिंसिपल कितना है 12,500। अगर नहीं समझ में आया तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ किसी से बोरो किया, अब आपने इंटरेस्ट 10 रुपीज़ उसे दिया, तो आपने कितने पैसे उसे रिटर्न किए, कितने रुपीज़ रिटर्न किए, 110 किए ना, कैसे, जब प्रिंसिपल को इंटरेस्ट से ऐड किए तब ना। तो वही तो हम यहाँ भी कर रहे हैं, प्रिंसिपल को सिंपल इंटरेस्ट से ऐड कर रहे हैं। तो अमाउंट आपका क्या बन गया, तो 00551 remainder 4,617 17,000 रुपीज़ फवीना ने रिटर्न किया। चलिए अब आते हैं राधा पे, ठीक है। तो राधा के लिए देखते हैं हम यहाँ पे, लेकिन इनकी कंडीशन है कंपाउंड एनुअली, तो इनके लिए प्रिंसिपल कितना है, सेम है 12,500, बट रेट चेंज है 10%, टाइम भी आपका सेम है 3 ईयर्स। तो अमाउंट प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + rate/100n अमाउंट फाइंड, यही तो करना है हमें। तो 12,500, रेट कितना है 10%, पावर टाइम आपका 3 पीरियड, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 12,500 एलसीएम कितना होगा 10, और 10 1 जा 10 + 1 power 3, तो 10 + 1 कितना हो जाएगा 11, तो 11/10 को हम 3 times लिखने वाले हैं, 11/10 11/10 11/10। चलिए ये तो हो गया, कैंसिल करते हैं 10 10, ये भी कैंसिल, और यहाँ पे आप 2 से 5 2 जा and 25 5 जा 125, 11 को 3 times अभी हमने इंटू किया था, याद करिए 1331/2। चलिए ये हो गया, सो 1331 को 25 में इंटू करते हैं, तो 33,275/2। चलिए कट करते हैं, 2 1 जा 2 1 remainder 2 6 जा 12 1 remainder 2 6 जा 12 and 2 3 जा 6 1 remainder 2 7 जा 14.5, क्योंकि 1 remainder होगा 0 लगाएंगे पॉइंट में, 2 5 जा 10। ये हुआ अमाउंट। तो इंटरेस्ट पता कर लें, तो बात हुई कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए इंटरेस्ट कैसे फाइंड करें, तो सिंपल सी बात है, आपने मान लीजिए 12,000 लिया और आपने 13,000 सबमिट किया, एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप मान लीजिए 1000 लिए और आपने 1100 सबमिट किया, ठीक है, तो आपने कितना इंटरेस्ट दिया बैंक को, तो श्योर है आप क्या बोलेंगे, सर 1100 से 1000 को माइनस कर देंगे, सर हमने 100 रुपीस ज़्यादा दिया, तो आपने क्या किया, अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस किया, सिंपल। तो फार्मूला लर्न करने की क्या ज़रूरत, अमाउंट से प्रिंसिपल को हम माइनस करते हैं, और इसमें प्रिंसिपल को हमने सिंपल इंटरेस्ट से ऐड किया तो अमाउंट फाइंड हुआ, तो कोई फार्मूला नहीं है। देखिए अगर यही फार्मूला आपको इससे जानना है, तो अमाउंट को यहीं स्टॉप कर लीजिए, प्रिंसिपल को ट्रांसफ़र करिए, तो माइनस है ना, तो उधर जाएगा प्लस, तो कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ये लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल,
मतलब इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, चाहे वो कंपाउंड हो चाहे सिंपल हो, क्या प्रॉब्लम इफेक्ट है? तो 16637.5 माइनस 12,500, तो भाई माइनस करने में कितना आ जाएगा आपका? रुपीज़ 4,137.50। क्लियर? चलिए चेक करें हमें करना क्या था। तो हमें करना था हु पे मोर इंटरेस्ट। अरे हम तो अमाउंट फाइंड कर रहे थे, इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। सबसे ज़्यादा किसने इंटरेस्ट पेड किया और वो भी कितना? तो देखिए दोनों का इंटरेस्ट चेक करते हैं। फवीना ने इंटरेस्ट दिया 4,500, ठीक है, यही तो है इंटरेस्ट। और राधा ने कितना सबमिट किया इंटरेस्ट? 4,137.50। तो देखिए सबसे ज़्यादा कौन दिया? फवीना ने, सिंपल इंटरेस्ट से। क्यों? क्योंकि इनका रेट ज़्यादा था, इसमें रेट थोड़ा सा कम था। अगर ये दोनों रेट सेम होते तो राधा को पेड करना पड़ता, ये तो श्योर था, हमने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो चलिए आपको लिखना है यहाँ पे फवीना पेड मोर देन इंटरेस्ट, किससे मोर देन इंटरेस्ट एंड कितना, एंड तो चलिए चेक करते हैं कितना ज़्यादा उन्होंने दिया। तो भाई श्योर है हम बात नहीं करेंगे, मान लीजिए सपोज आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा तो एक एग्जांपल लेते हैं। फवीना का इंटरेस्ट 500 थोड़ी देर के लिए और राधा का इंटरेस्ट है 400, तो भाई दोनों में कौन ज़्यादा दिया? फवीना ने दी, कितना दी? 100। सिंपल, देखिए छोटे नंबर में जल्दी समझ में आता है और जब डेसिमल आ जाता है तो माइंड इधर उधर हो जाता है, तो इसलिए एक नंबर ले लिया करिए अपने कैलकुलेट के समझने के लिए। तो 4,500 से आप माइनस कर दीजिए 4,137.50। तो उन्होंने कितना दिया माइनस करने पे? उन्होंने दिया रुपीज़ 362.50, ये आपका आंसर है। क्लियर? तो ऑल एग्जांपल आपके क्लियर हो गए इस एक्सरसाइज के 7.2 के, और इन सभी के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं एक्सरसाइज के। तो अगर कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो ज़रूर कमेंट करिएगा, उसके आंसर आपको ज़रूर जल्द से जल्द मिल जाएंगे, और वो भी करेंट वीडियो पे करिएगा जिससे हमें अपलोडेड वीडियो में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, न्यू वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव नाइस डे।